तो फाइनली गाइज आप लोग यहां पे देख सकते हो मैंने अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग थर्डी गेम के अंदर टीवी को ऑन कर लिया है एंड साथ में गाइज मैंने अपने गेम के अंदर न्यू मोबाइल फ़ोन को भी ले लिया है। न्यू मोबाइल फ़ोन के अंदर गाइज टीवी को ऑन करने का और ऑफ करने का रिमोट आ चुका है जिसे हम लोग अपने गेम के अंदर टीवी को ऑन कर सकते हैं। गाइज मैंने अपने गेम के अंदर रेंज रोवर कार को भी ले लिया है, तो इस वाली रेंज रोवर कार का चीट कोड क्या है, हम लोग अपने इंडियन बाइक से ड्राइविंग गेम के अंदर इस रेंज रोवर कार को कौन सा चीट कोड डायल करके स्पॉन करवा पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वाली रेंज रोवर कार का क्या चीट कोड रहेगा, कैसे स्पॉन करवाना है वो भी बताऊंगा। साथ में गाइस आप लोगों को टीवी ऑन कैसे करना है, न्यू वाला मोबाइल फोन कैसे लेना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। आपको टीवी ऑन कैसे करना है वो भी बताने वाला हूं, न्यू वाला मोबाइल कैसे लेना है आपको वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड साथ में गाइज रेंज रोवर कार का चीट कोड क्या रहेगा वो भी बताऊंगा। गाइज इन दिनों काफ़ी सारे अपडेट आए हैं, सीक्रेट चीट कोड है जो कि आपको नहीं बता वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। अभी जो आपको पता है न्यू अपडेट के अंदर ग्लिच आ गए थे, वापस से हमारे गेम के अंदर बग्स एड हो चुके थे। अभी एक और अपडेट आया गाइज उसके अंदर बग्स फिक्स हो चुके हैं। ये वाला आप लोग देखो वापिस से वैसे ही घूमने लग चुका है फैन। तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो गाइज गेम को अपडेट कर लेना। एक और अपडेट आया था गाइज, अगर आपने अभी तक नहीं किया इंडियन बाइक से ड्राइविंग थर्डी गेम को अपडेट तो गेम को अपडेट कर देना। आप लोग देखना जैसे अपडेट करोगे और R3 वाला ये वाला फैन वाला प्रॉप्स आप लोग अपने गेम के अंदर स्पॉन करवाओगे तो ये वापस से जो पहले घूमता था वैसे ही अपने गेम के अंदर रोटेट होने वाला है। और आप लोग देखो P3 हम लोग 16 लगाते हैं, जो भी लगाते हैं हम लोग प्रॉप्स मंगवाते हैं P वाले, ठीक है, P1 P2 के अंदर आते हैं। और आगे जो हम लोगों को ये कलरफुल प्रॉप्स देखने को मिलते थे वो जो पीछे अपडेट आया था उसके अंदर गायब हो चुके थे। तो ग्लिच हो चुका था, वो ग्लिच यहाँ पे ठीक हो चुका है, बग्स जो है फिक्स हो चुके हैं। तो अब आप लोग दोबारा से गेम को अपडेट कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद ही आप लोग अपने गेम के अंदर यहाँ पे ये सब ले पाओगे, रेंज रोवर कार और साथ में गाइज टीवी ऑन कर पाओगे और साथ में गाइज न्यू मोबाइल फ़ोन ले पाओगे। तो गाइज ये सब आपको कैसे लेना है वो मैं आपको बता दूंगा। आप लोग गेम को एक बार अपडेट कर लेना इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थर्डी गेम को अगर आपने नहीं किया। अगर आपने कर लिया और उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और गाइस हम लोग अपने गेम के अंदर ड्रोन कैमरा भी ले सकते हैं क्योंकि गाइस काफी भाई लोगों को नहीं पता है कि अपने गेम के अंदर ड्रोन कैमरा कैसे लेना है। कॉमेंट इतने आ रहे हैं आपने ये कैसा लिया, लाइव स्ट्रीम के अंदर भी आ रहे हैं। तो गाइस यार आपको कुछ नहीं लिखना है, या तो आप लोगों को आरजीएस टूल के अंदर लिख देना है ड्रोन, फुल ड्रोन लिख सकते हो, या फिर आप लोग शॉर्ट के अंदर लिख सकते हो DON यानी डॉन, डॉन बनेगा जोन लिख सकते हो, उसके अंदर आप लोगों को डॉन ऑन हो जाएगा आपका, ठीक है, ड्रोन ऑन हो जाएगा, डॉन ऑन नहीं होने वाला, आपका जो ड्रोन कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। और आप लोग ये जोयास्टिक है इसे आगे पीछे करोगे तो आप जो है ड्रोन कैमरा का यूज कर पाओगे, आगे पीछे कर पाओगे, ड्रोन व्यू ले पाओगे। आप लोग देख पा रहे हो ड्रोन से हम लोग यहाँ पे एरोप्लेन का भी देख पा रहे हैं व्यू, आप लोग देखो कितना मस्त यहाँ पे व्यू है इसका। ये एकदम अंदर से कचड़ा हो चुकी है एरोप्लेन और हम लोग अंदर से इसका इंटीरियर देख पा रहे हैं और पहले नहीं देख सकते थे अभी हम लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं गेम के तगड़े तगड़े चीट कोड, ठीक है। तो हम लोग अपने गेम के अंदर M1 M2 M3 लगाते हैं, आपको पता है। तो M1 के अंदर अपने गेम के अंदर ये जो आ जाता है लोकेशन वाला, और M2 के अंदर अपने गेम के अंदर फिनिश बोर्ड आ जाता है, M3 लगाते हैं तो अपने गेम के अंदर स्टार्ट बोर्ड आ जाता है, फिनिश बोर्ड, स्टार्ट बोर्ड। तो हम लोग जो भी मिशन वगैरह बनाएंगे वहाँ पे जो हमारा मिशन स्टार्ट होगा वहाँ से स्टार्ट लिखेंगे और लगा देंगे स्टार्ट वाला बोर्ड, और जहाँ पे फिनिश होगा वहाँ पे हम लोग यहाँ पे फिनिश बोर्ड लगा देंगे। अब यहाँ पे लोकेशन बोर्ड का क्या यूज है वो मैं आपको बताता हूँ। गाइज लोकेशन बोर्ड का काफ़ी भाई लोगों को यूज करना नहीं आ रहा, तो गाइज यार लोकेशन बोर्ड का जो यूज है वो क्या होने वाला है अभी मैं आपको बता दे दूँ। जो भी आपने मिशन बनाया, जो भी आपने बनाया वहाँ पर आप लोग लोकेशन बोर्ड को लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दे दूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आपने लोकेशन बोर्ड लगा दिया ये वाला, ठीक है, उसके बाद लोकेशन वाला पॉइंट लगाने के बाद आप लोग लोकेशन वाले पॉइंट को टच कर दोगे कोई भी व्हीकल से, व्हीकल पे आपको बैठना होगा, चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो चाहे कुछ भी हो, आप लोग टच कर दोगे। उसके बाद आप लोग वापस से उस जगह पे जाना चाहो जहाँ पे आपने लोकेशन बोर्ड लगाया है, बाद में आपको क्या करना है, ये जो स्लो मोशन वाला, ठीक है, बटन है ये आपको प्रेस करना है। जैसे आप लोग स्लो मोशन वाला बटन प्रेस करोगे चाहे आप लोग कहीं पर चले जाना, आप वापिस से उसी लोकेशन पर आ जाओगे जहाँ पे आपका लोकेशन पॉइंट लगा हुआ है।
है। तो ये आपको मिशन वगैरह बनाते हो हाइट पे और नीचे गिर जाते हो तो आप लोगों के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो इसलिए ये रोहित भाई ने अपने गेम के अंदर लोकेशन पॉइंट ऐड किया है। तो ये M1 के अंदर आता है, M2 के अंदर फिनिश बोर्ड आता है, M3 के अंदर अपने गेम के अंदर आएगा स्टार्ट बोर्ड। तो ये आपको RGS टूल के अंदर देखने को मिलेगा। और गाइज काफ़ी भाई लोगों को नहीं पता है हम लोग वेयर हाउस को कैसे ले सकते हैं, तो आप लोग RGS टूल के अंदर H11 डायल करना। जैसे ही आप लोग H11 डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर गाइज आ जाएगा यहाँ पे वेयर हाउस। और गाइज वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग अपने गेम के अंदर रेंज रोवर कार को कैसे लोगे, टीवी को ऑन कैसे करोगे। तो वीडियो को स्किप कर दिया तो आप लोग अपने गेम के अंदर नहीं ले पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक अभी से कर लो, अगर लाइक नहीं किया तो भाई आप लोगों को चीट कोड नहीं मिलेगा। तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया। तो गाइज अभी मैं आपको बताता हूँ अपने गेम के अंदर रेंज रोवर का, यहाँ पे रेंज रोवर कार थी उसकी जगह पे कार आ चुकी है यहाँ पे जी वैगन। आपको पता होगा 4x6 डायल करते थे तो जी वैगन कार नहीं आती थी, हमारे गेम के अंदर रेंज रोवर कार आती थी। अब आप लोग 4x6 डायल करते हो न्यू अपडेट के बाद तो यहाँ पे अपने गेम के अंदर जी वैगन आ जाती है। अब आप लोगों को रेंज रोवर कार कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, रेंज रोवर भी हम लोग को देखने को मिलती है। अब चीट कोड क्या रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, जिस चीट कोड से आप लोग अपने गेम के अंदर यहाँ पे ले पाओगे। और गाइज मैं आप पे एक साथ वॉइस कर रहा हूँ, कहीं पे भी कट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काइन मास्टर में पहले एडिटिंग करता हूँ उसके बाद वॉइस ओवर करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे वॉइस ओवर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे दिल से माफ़ कर देना, तुम्हारा छोटा भाई समझ के। और गाइज हम लोग 5643 डायल करते तो ट्रैक्टर आता है, अपने गेम के अंदर 5599 डायल करते तो बस आती है। ये चीट कोड मैं क्यों बता रहा हूँ आपको वापिस से गाइज, ये काफ़ी भाइयों को नहीं पता है। 8370 ये भी नहीं पता है, आप लोग 8370 डायल करते तो ऑटो रिक्शा अपने गेम के अंदर आता है। ये चीट कोड आप लोग भूल चुके हो क्या यार, आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हो। और मैं भी बताऊंगा यार आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम लोग मेरा वीडियो देखते हो, मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, तो मेरा काम है आपको चीट कोड बताना, अपडेट देना। और गाइज अब मैं आपको एक तकड़ी अपडेट भी देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोग अपने गेम के अंदर टीवी को कैसे ले सकते हो। तो गाइज आपको पता है आपने काफ़ी सारी वीडियो देख ली, आपको भाई लोग जो काफ़ी सारे यूट्यूबर है गेमर्स है वो आपको बता रहे हैं टीवी ऑन ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो गाइज अभी तक रोहित भाई ने कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं डाला था कि हम लोग यहाँ पे गेम के अंदर टीवी को ऑन कर लें। तो गाइज अभी रोहित भाई ने बोल दिया है 1 से 2 अपडेट आएंगे, अभी जो अगला अपडेट आएगा इंडियन बाइक ड्राइविंग 30 गेम का, उसके बाद से हम लोग अपने गेम के अंदर टीवी को ऑन कर सकते हैं। अब एक गेम है ठीक है, उसके अंदर अपने गेम के अंदर जो है टीवी को ऑन कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे टीवी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है मोबाइल के अंदर, जो मोबाइल था अब न्यू वाला मोबाइल आ सकता है अपने गेम के अंदर, भी जो न्यू अपडेट है उसके अंदर यहाँ पे न्यू मोबाइल आएगा, या फिर हम लोग यहाँ पे RGS टूल के अंदर टीवी ऑन लिखेंगे तो टीवी ऑन हो जाएगा। अभी तक ऐसा कोई फीचर नहीं है हमारे गेम के अंदर हम लोग टीवी को ऑन कर ले। अभी रोहित भाई ने बोला है कि आगे जो अपडेट आएंगे उसके अंदर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि टीवी को ऑन करने का ऑप्शन डाल दूँ, या तो अपने गेम के अंदर एक टीवी ऑन करने का जो मोबाइल के अंदर ऑप्शन आ जाएगा टीवी ऑन का, वहाँ से हम लोग टीवी को ऑन कर पाएंगे। रिमोट कंट्रोल जो मैंने आपको स्टार्टिंग अंदर दिखाया था वैसा हो सकता है, क्योंकि उस पर एक गेम भी है वैसा का वैसा, हम लोग वैसा भी इस गेम के अंदर डल सकता है और हम लोग टीवी को ऑन कर पाएंगे। और टीवी को ऑन कैसे कर पाएंगे उसके अंदर अपने आप कुछ नहीं चलने वाला, आप लोग गैलरी के जो भी ऑप्शन है गैलरी के अंदर होते हैं वही आप लोग यहाँ पे आपके मोबाइल के अंदर जो सेव है वीडियो वही आप लोग टीवी के अंदर चला पाओगे। साथ में गाइस अपने गेम के अंदर रेंज रोवर कार रिमूव हो चुकी है, वापिस हम लोग कैसे ले पाए वो मैं आपको बता दूं। प्लगइन का अपडेट आने वाला है, या तो आज आ जाएगा या फिर कल आ जाएगा। मैं किस टाइम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मुझे नहीं पता होगा, आज अपडेट आएगा तो आप आज के दिन आपको यहाँ पे प्लगइन के अंदर रेंज रोवर कार देखने को मिल जाएगी, मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा, या फिर कल आएगा तो कल अपने गेम के अंदर रेंज रोवर कार आ जाएगी। मैंने ये वाली रेंज रोवर कार ओल्ड वर्जन से ली है, तो आप लोग भी ओल्ड वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 30 गेम का। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है आप लोग कैसे अपने गेम के अंदर टीवी को ऑन कर पाओगे, रेंज रोवर ले पाओगे, तो अभी जल्द अपडेट आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।